नमस्कार, मैं आरती सिंह। आप देख रहे हैं न्यूज 11 भारत। और खबरों में सबसे पहले बात राजधानी में हुए डबल मर्डर की, जिससे सनसनी फैल गई। बताएं आपको कि तुपुदाना इलाके में हुलहंडू पुल के पास युवक युवती का शव बरामद हुआ। दोनों के शव पर गंभीर चोट के निशान है। युवक शांति नगर और युवती बेरमार की रहने वाली है। मृतक की पहचान पूजा और विवेक नाम से हुई है। पुलिस तफ्तीश कर रही है। और चलिए आपको सीधे लिए चलते हैं सहयोगी इमरान के पास। हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं रांची से। इमरान, ये जिस तरह से डबल मर्डर की वारदात सामने आई है और जो तस्वीर अब तक सामने आ चुकी है कि शव पर चोट के निशान है, गहरे जख्म है, कहीं ये मामला हत्या से ज्यादा हॉरर किलिंग का तो नहीं लग रहा? देखिए, बिल्कुल घटना पर जिस तरह से दो शव अभी बरामद यहाँ पे हुए हैं, जिसके बाद जो पुलिस है वो यहाँ पे पहुंचे हैं। संबंधित डीएसपी और टुपुदाना थाने के पुलिस के अलावे कई लोग यहाँ पे पहुंचे हैं। एफएसएल और डॉग स्क्वाड की टीम को भी यहाँ पे बुलाया गया है। तो कहीं ना कहीं ये जो पूरा मामला है, जिसे प्रेम प्रसंग से भी जोड़ करके देखा जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से घटनास्थल पर एक युवक और युवती का शव बरामद किया गया है, इसमें कई तरह की कहानियां भी है। बताया जा रहा है जो मृतिका है वो पहले लिव इन में किसी के साथ रह रही थी और उसे बच्चे भी हैं, और उसके बाद जो युवक का शव मिला है वो किसी दूसरे युवक के साथ मिला है। तो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को लेकर के प्रथम दृष्टया यह मान के पुलिस चल रही है कि प्रेम प्रसंग से जुड़ा हुआ इस पूरे मामले में हत्या की आशंका की जा रही है। हालांकि पुलिस के द्वारा यहाँ पर जब एफएसएल को बुलाया गया, एफएसएल की टीम यहाँ पर जब पहुंची तो पूरे मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। एफएसएल के द्वारा ही पूरे चीजों को खंगाला जा रहा है कि क्या कुछ है। हालांकि डिस्ट्रिक्ट एफएसएल की टीम ने यहाँ पे जब जांच की तो अब वरीय अधिकारियों के निर्देश के बाद जो है वो स्टेट एफएसएल की टीम को यहाँ पे बुलाया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं स्टेट एफएसएल की टीम जब यहाँ पे पहुंचेगी तो और भी बारीकी से इस चीजों को खंगाला जाएगा कि किन हथियार का इस्तेमाल किया गया, क्योंकि टांगे तेजधार हत्यार से हत्या की संख्या जाहिर की जा रही है। जिस जगह से यह शव बरामद किया गया है, ये बिल्कुल खेत का इलाका है, और हम तस्वीरों के माध्यम से भी आपको दिखाएं कि बिल्कुल रिंग रोड से सटा हुआ जो जगह है ये, और इस जगह पर जो पड़ती जमीन है, खाली जमीन है, इस जगह पर बरामद किया गया है। युवक का शव और युवती के शव दोनों एक जगह से बरामद किए गए हैं। तो कहीं ना कहीं पूरे मामले की जानकारी जैसे आसपास के ग्रामीणों को भी हुई, उसके बाद ग्रामीण भी यहाँ पे बड़ी संख्या में पहुंच गया है। कि मृतक के परिजनों से जब हम बातचीत करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ वजह है, लेकिन जिस तरह से ये पूरा मामला सामने आया, इससे इतना तो साफ है कि हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया है, जिसमें तेजधार हथियार का इस्तेमाल किया गया है, और तेजधार हथियार में टांगे और दूसरी चीजों का भी इस्तेमाल किया गया। मतलब साफ है कि जिस जगह पर ये लोग यहाँ पे बॉडी शव बरामद किए गए हैं, हत्या इसी आसपास में की गई है, उसके बाद शव को यहाँ पर फेंक दिया गया। हालांकि एफएसएल की टीम और डॉग स्क्वाड की टीम यहाँ पर आई है, बारिश भी जो कि काफी तेज है, तो ऐसे में जो लोग हैं एफएसएल को यहाँ पे ज्यादा कुछ खास नहीं मिला। हालांकि घेरा बनाया जा रहा है, घेरा बनाया गया है कि कोई दूसरे व्यक्ति जो है वो शव के आसपास में या फिर दूसरी जगह पर नहीं पहुंच सके और किसी तरह की परेशानी जांच के दायरे पे नहीं हो, इसके पूरा ख्याल रखा जा रहा है। और डॉग स्क्वाड की टीम को भी यहाँ पे जब घुमाया जा रहा था तो जो चीजें थी वह स्पष्ट नहीं हो पाई है। हालांकि मृतिका के शरीर पर कई जख्म के निशान है, युवक के शरीर पर कई जख्म के निशान है, जिसकी जाँच अब स्टेट एफएसएल की टीम करेगी। इस जाँच के बाद और भी सारी चीजें स्पष्ट हो जाएगी कि आखिर इस पूरे घटना के पीछे की वजह क्या रही है, किस वजहों को लेकर के हत्या की घटना को अंजाम दिया गया है। आते कुछ दिन पूर्व भी नगरी थाना क्षेत्र के रहने नगरी थाना क्षेत्र में भी डबल मर्डर का मामला प्रकाश में आया था, और वो भी मामले में जो चीजें देखने के लिए मिली थी कि रिंग रोड के ठीक बगल में दोनों शवों को उस वक्त भी फेंका गया था। तो वो गुत्थी अभी सुलझी भी नहीं थी कि डबल मर्डर का दूसरा मामला राजधानी रांची के टुकुदाला थाना क्षेत्र में देखने को मिल रहा है। पुलिस के लिए चुनौती है कि इस पूरे मामले को उद्भेदन किया जाए, ताकि इस पूरे घटना में शामिल जो लोग हैं वो
पुलिस के गिरफ्त में आ सके। हालांकि पुलिस की माने तो इस पूरे मामले को लेकर के लगातार एक जो टीम है वो संबंधित और जो संदेह व्यक्ति है जिस पर संदेह जाहिर किया जा रहा है प्रथम दृष्टया, उन तमाम लोगों को हिरासत में लेने की कोशिश की जा रही है और कई लोगों से अलग से पूछताछ भी की जा रही है। तो पूछताछ के आधार पर कई लोगों के नाम भी सामने आए हैं जो मृतक के परिजनों ने जानकारी पुलिस को दी, पड़ोसियों ने जानकारी दी या फिर आसपास के लोगों के द्वारा जो गुप्त सूचनाएं मिली है उस आधार पर कई लोगों के नाम भी सामने आए हैं जिस आधार पर पुलिस छापेमारी कर रही है। लेकिन इस पूरे घटना के बाद से अगर हम देखें तो तमाम जो लोग हैं इतनी बारिश के बावजूद जो यहाँ पर अगर तस्वीरों के माध्यम से हम आपको दिखाएं कि लोग यहाँ पे मौजूद हैं, इकट्ठा हो गए हैं और देख रहे हैं कि क्या कुछ इस पूरी घटना के बाद पुलिस का क्या कुछ रोल होता है, क्योंकि बड़ी संख्या में जो ग्रामीण है वो भी यहाँ पे मौजूद है और लगातार इस मामले की पल पल की जानकारी भी ले रहे हैं। चूंकि एक भीड़ वाला इलाका है, गांव है और गांव में जब डबल मर्डर जैसे एक वारदात को अंजाम दिया गया तो उसके बाद तमाम जो ग्रामीण है वो यहाँ पे पहुंच गए हैं और पूरे मामले की जानकारी ले रहे। इन्हीं लोगों के बीच से भी कई जानकारियां पुलिस को उपलब्ध भी हो पाई है, क्योंकि पुलिस को यह सूचना दी गई थी कि जो संबंधित व्यक्ति है जिन दो लोगों का शव मिला है उसकी पहचान भी ग्रामीणों के सहयोग से ही किया गया था। तो कहीं ना कहीं पूरे मामले को लेकर के पुलिस तफ्तीश में जुट गई है। स्टेट FSL की टीम मौके पर पहुंचेगी और उसके बाद इस पूरे मामले का जो है आगे जांच का दायरा जो है वह बढ़ाया जाएगा। कई और टेक्निकल टीम्स को भी लगाया गया ताकि इस पूरे मामले का खुलासा जल्द से जल्द हो सके। चलिए ना सर, बनाए रखिए इमरान, अपडेट्स और भी लेंगे आपसे। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो ये मौकाए वारदात से हम तक तस्वीरें पहुंचा रहे थे सहयोगी इमरान। देखिए तुपुदाना में डबल मर्डर हुआ, एक युवक और एक युवती, और उसके बाद जो बॉडीज हैं उस पर गहरे जख्म के निशान भी हैं। अब पुलिस ये तफ्तीश कर रही है कि हत्या की अगर डेड बॉडीज फेंके गए तो कौन है ये हत्यारा, क्यों हत्या की गई, इन तमाम सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश में पुलिस लगी हुई है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।